भाइयों, अगर आप डीजे में जरा से भी शौक रखते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको इस वाले सेट टॉप बॉक्स को बना करके दिखाया था, और इसी टॉप बॉक्स की आज मैं आपको साउंड टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि साउंड टेस्टिंग जो होगी वो हमारे इन सारे स्पीकर पर काम करने वाली है। वीडियो से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर कितना एम्पीयर आउटपुट मैं लगाऊंगा जिससे ये स्पीकर सभी अच्छी तरह से काम करेंगे, तो वीडियो से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। आप जहां तक भी देख पाओगे सब जगह पे आपको स्पीकर ही देखने को मिलेगा। मैंने इस वाले स्पीकर को आपको बना करके दिखाया होली के टाइम पर, ये दोनों स्पीकर को भी मैंने आपको रिन्यूड करके दिखाया था, रिपेयर करके दिखाया था, और साथ ही यहां पर अगर देखो तो इस जगह पर हमें एक छोटा सा दो स्पीकर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ इसे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें केबल को लेना पड़ेगा। तो ये देखो, ये है इसका पावर कोड यानी पावर केबल, और इसे हमें कनेक्ट करना होता है स्पीकर पर। पीछे में मैंने यहाँ पर सॉकेट लगाया हुआ है जिससे यहाँ पर 222 वोल्ट हमें इनपुट करना होता है। अब ये इसका प्लग है तो इसे मैं बोर्ड पर अभी कनेक्ट करने वाला हूँ। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं होने वाली है, आज की वीडियो सबसे लंबी होने वाली है। तो यहाँ पर देखो मैं किस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ इसे। ये यहाँ पर मैंने एसी पर कनेक्ट कर दिया है। अब इस पर लाइन जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से इसे भी करते हैं ऑन। ये देखो अभी मैंने यहाँ पर इसे ऑन किया है, ब्लूटूथ का जो साइन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसे ब्लूटूथ से पेयर करेंगे, और देखो साउंड क्वालिटी को चेक करने के लिए मुझे इतना सारा काम इस पर करना पड़ रहा है, वरना मैं इतना काम नहीं करने वाला था। सिर्फ आप सभी के लिए मैं यहाँ पर इस वाले वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि साउंड क्वालिटी हर लोग मुझे कह रहे थे कि भाई इसकी साउंड क्वालिटी सुनाओ, साउंड क्वालिटी सुनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी जो बात है वो मैं मान लूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया है। अब चलो इस पर कोई पहले साउंड को चालू करते हैं और देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसी आती है। भाइयों, इस जगह पर मैंने एक म्यूजिक को मैंने लगाया हुआ है जो कि आप देख भी सकते हो, ये म्यूजिक है। अब भाई कमेंट दे रहा हूँ आप स्ट्राइक मत देना, क्योंकि मैं साउंड टेस्टिंग कर रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्रेडिट में नीचे दे देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन पर। तो अभी मैं म्यूजिक को चलाने वाला हूँ, और आप यहाँ पर देखो जो इसकी बेस क्वालिटी है वो कैसी आने वाली है। यहाँ पर वॉल्यूम को मैंने लगभग फुल कर दिया है, ट्रेबल आधा है, और यहाँ पर बेस को मैंने उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखा, क्योंकि ज़्यादा बेस करेंगे तो साउंड फटने का प्रॉब्लम आता ही है। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, डायरेक्ट इसे चालू करते हैं। म्यूजिक को आप देना और इसकी बेस जो होगी थ्रो वो आप देखना। देखो गाइस, यहाँ धीरे धीरे ये स्टार्ट हो रहा है। आप ये मिडिल वाला बेस सबवूफर को चेक करना, देखना उसकी साउंड होगी वो कितनी हाई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, देख लो आप यहाँ पर सामने से, मैं यहाँ पर कैमरे को इसके पास लेके जा रहा हूँ। आप इसका जो थ्रो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये यहाँ पर आप देखो जो साउंड थ्रो है वो आप देख सकते हो। अब ये मैंने साउंड को फुल कर दिया है। देख लो गाइस, आप इससे अब समझ लो कि हमने जो एम्पलीफायर बनाए वो कितना पावरफुल है। ये देखो पूरा म्यूजिक यहाँ पर चल रहा है, और म्यूजिक आप देख सकते हो चल रहा है यहाँ पर। आप पूरा चेक देख लो गाइस, पूरा अच्छी तरह से देख। तो अब आपने यहाँ पर देखा जो इसका थ्रू है वो काफी हैवी है। अब चलो, अब जिसके आप लोग वेट कर रहे थे जो है हमारा सेट टॉप बॉक्स, उससे हम ऑपरेट करके देखते हैं। ये तो नहीं चलेगा, इसे मैं अभी साइड रखूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों स्पीकर हैं और यहाँ पर ये छोटे वाले भी स्पीकर हैं। तो पहले हम यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स को चलाएंगे दोनों छोटे वाले स्पीकर के साथ। तो चलो यहाँ पर इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं। भाइयों, अब आप यहाँ पर देखो, इसे मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारा ये सेकेंड अब टेस्टिंग चल रहा है। पहला तो मैंने टेस्ट करके दिखाया। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक SMPS जो कि 15 एम्पियर 12 वोल्ट हमें आउटपुट निकाल करके देता है, जो हमारे इस वाले प्लग पर अभी आ जाएगा। तो चलो अब इसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, वॉल्यूम को यहाँ से कम करते हैं, और इसका जो प्लग है वो यहाँ पर है, तो ये यहाँ से मैं लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया।
अभी देखो इस पर हमें दो एलईडी देखने को मिलते हैं, एक तो इस साइड पर ग्लो करेगा और दूसरा इस साइड पर ग्लो करेगा। जैसे कि यहाँ से नीचे से देखो लोड यहाँ पर आ चुका है, तो अब यहाँ से हम जिसे सेटिंग चेंज करते हैं, ये जाएगा हमारे ब्लूटूथ पर। ये देखो ब्लूटूथ यहाँ से आ चुका है। अब यहाँ पर हम फिर से जो म्यूजिक है और जो ब्लूटूथ है सिस्टम है उसे हम पेयर करने वाले हैं आपके सामने। यहाँ पर इसका जो ब्लूटूथ है वो ये वाला मॉडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये कनेक्टिंग पर चल रहा है। जैसे ये कनेक्ट होता है तो देखो ये कनेक्ट हो चुका है। अब ये कनेक्ट होने के साथ अब मैं आपको जिसका थ्रो है वो आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैं कोई नया म्यूजिक को ढूंढ के लाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक म्यूजिक को भी ढूंढ लिया है, चलो अब इसको जो टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर म्यूजिक को यहाँ से देखो जो साउंड है वो मैंने यहाँ पर लगभग फुल कर दो, ये मैंने यहाँ पर फुल कर दिया है। अब इस पर प्ले करते हैं और यहाँ से धीरे से बढ़ाएंगे और आप देखना इसका जो थ्रो आएगा वो कैसा आएगा। और इसके बाद मैं इन दोनों स्पीकर को एक साथ चलाने वाला हूँ, अगर ये दोनों परफेक्ट काम करता है। देखो मैं इस पर बताता हूँ, इस पर लगा हुआ है क्लास डी का एम्पलीफायर जो कि 30+30 वाटेज का है और हमारा ये सब ऊपर 10 वाट का है और ये भी 10 वाटेज का, 20 वाट मैंने इस पर दिया है एक एक चैनल पर। चलो अब इसे प्ले करते हैं यहाँ से। यहाँ पर ब्लूटूथ अनपेयर हो चुका है, यहाँ से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा फिर से। ये आप कनेक्ट हो चुका है, साउंड को चेक कर लेते हैं, साउंड फुल है। अब यहाँ से प्ले करते हैं, ये यहाँ पर मैंने प्ले किया। अब यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, आप यहाँ पर सुनो इसका जो साउंड है वो। ये देखो गाइस अभी मैंने साउंड को फुल नहीं किया है और इसका जो थ्रो है वो आप यहाँ पर देखना चालू कर दो। ये देखो आप सिर्फ इसको देखो, इसे मैं नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट स्पीकर को आप देखो। ये देखो सभी कुछ आपके सामने है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। अभी देख लो ये देख लो, जब कभी मैंने साउंड को फुल भी नहीं किया है। अब चलो मैं धीरे से साउंड को जो है फुल करता हूं और आप देखो इसका थ्रो है। ये देखो ये मैंने आप कर दिया पूरा फुल और ये देखो आप इसका थ्रो देखो। है ना लाजवाब, इससे ज्यादा अगर आप सोचोगे तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। ये देखो तो अब आपने देखा कि इस छोटे से एम्पलीफायर से यानी कि ये जो डिजिटल वीडियो प्लेयर है इसके थ्रू हमारा जो स्पीकर है वो परफेक्ट काम कर रहा है। छोटा है लेकिन पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा है। चलो आप फाइनली इसे टेस्ट करेंगे इस वाले बड़े लेवल पर और देखते हैं कि ये वाले स्पीकर को ये ऑपरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर ये कर लेता है तो आप इसे ज़रूर बनाना क्योंकि आप इसके थ्रू वीडियो भी देख सकते हो और साथ ही आप इस पर ब्लूटूथ से गाने भी सुन सकते हो। इसलिए मैंने इस वाले टेस्टिंग वीडियो को मैं बना रहा हूँ क्योंकि जितने भी एम्पलीफायर मैं बनाता हूँ उन सभी की टेस्टिंग मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिस पर आपको एम्पलीफायर को चेक करके दिखाया जाए। और खासकर तो इसके लिए ही मैं वीडियो बनाता था क्योंकि इस पर मैंने एम्पलीफायर लगाया था और मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर साउंड क्वालिटी टेस्ट किया जाए क्योंकि पिछले वाले वीडियो पर तो मैंने सिर्फ वीडियो को टेस्टिंग किया और इसका मैंने साउंड सिस्टम को टेस्ट नहीं किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाले वीडियो पर टेस्टिंग कर लिया जाए क्योंकि इससे आपका भी फायदा मेरा भी फायदा है। अब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग भागने वाले हो, तो चलो फटाफट अभी इन दोनों स्पीकर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। भाई आप लास्ट यहाँ पर टेस्टिंग करने वाले हैं इस वाले बड़े स्पीकर की। अगर बात करें सबसे पहले दोनों स्पीकर की वोल्टेज की तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा स्पीकर है ये 6 इंच का स्पीकर है और इस पर ट्विटर ये सब मिला करके देखा जाए तो ये लगभग 150 वोल्टेज तक का ये इनपुट लेता है। यहाँ पर इस वाले स्पीकर की बात करें तो ये 8 इंची का स्पीकर है और ये हमारा अकेले ही देखा जाए तो ये लगभग 180 वाटेज या 200 वाटेज के करीब में होगा। वैसे देखने में लगता नहीं है लेकिन ये है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट जो है ये डबल कॉइल वाला मैग्नेट इस पर लगा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो और यहाँ पर 30+30 वाटेज में इस पर इनपुट दे रहा हूँ तो सोचो ये तो एम्पलीफायर भी उड़ सकता है। अगर ये चल गया तो समझ लो कि हमारा जो
एम्पलीफायर है या ये सेट टॉप बॉक्स है, ये परफेक्ट यहाँ पर काम कर चुका है। तो यहाँ पर एक मैंने यहाँ सिंपली NCS म्यूजिक को मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है, जो क्योंकि कॉपी राइटेड ऐसी हो सके कि बड़ी स्पीकर है तो बड़े स्पीकर पर साउंड क्लियर आएगा और जिसके थ्रू हमें पता भी नहीं चलेगा और स्ट्राइक भी मिल सकता है। अगर साउंड किसी भी मतलब किसी भी समय अगर साउंड म्यूट होता है तो समझ जाना कि उस समय पर कॉपीराइट आ चुका है। हाँ, लेकिन एक आपके लिए फायदा है कि यहाँ पर जो बेस का जो थ्रो है वो आपको क्लियर दिखेगा। तो चलो आप इसे भी यहाँ पर चालू करते हैं म्यूजिक को और आप इसका जो म्यूजिक है वो आप सुनो और इसका थ्रो देखो। अभी साउंड फुल नहीं है, देखो बस थोड़ा सा ही मैंने लगाया है और यहाँ पर साउंड ऐसा देखो। अब मैं यहाँ पर साउंड को धीरे से फुल करता हूँ। इसका जो साउंड है तो वो तो काफी ज्यादा है क्योंकि बड़े स्पीकर पर मैं चला रहा हूँ। देखो थ्रो नहीं आ रहा है लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा है, हाई लेवल का साउंड क्वालिटी है। साउंड को बढ़ाते हैं फिर से और अब इसके वाइब्रेशन को देखना। मुझे नहीं पता कि आपको साउंड यहाँ पर मेरा सुनाई दे रहा था या नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी वो इतनी ज्यादा है, यानी कि अगर आप देखो तो आप इसे बाहर में यूज कर सकते हो इस छोटे वाले सेट टॉप बॉक्स के थ्रू। आप इसे बनाना चाहते हो तो अभी एंड स्क्रीन पे इसका शो हो जाएगा वीडियो, आप देख लेना। आप इसे बना भी सकते हो, वीडियो देखना और म्यूजिक चलाना होगा तो म्यूजिक लिए मैं परफेक्ट बोलूंगा क्योंकि जो भी मटेरियल लगा हुआ है इसी पर लगा हुआ है। थोड़ा सा हमारा इस पर एम्पियर के हिसाब से भी डिपेंड होता है कि हम यहाँ पर टोटल कितना एम्पियर इसे इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो तो 12 वोल्ट और 15 एम्पियर में इनपुट दे रहा हूँ जो इस SMPS से आने वाला है। ये CPU का SMPS है तो मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ 15 एम्पियर के साथ, तो ये परफेक्ट काम कर रहा है और क्लास डी काफ़ी बेनिफिट वाला साउंड क्वालिटी होता है। अगर आप चाहते हो कि इसे होममेड बनाना चाहिए, एक मतलब नेक्स्ट लेवल पर टावर ये सब जैसा बनाना चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं टावर वाले स्पीकर को भी बना दूंगा। वैसे इसके साउंड क्वालिटी मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा, तो एक बार चलो फिर से इसे सुन लेते हैं। और जब मैं इसे बढ़ाता हूँ ना साउंड को तो मैं खुद नहीं कुछ बोल पाता हूँ क्योंकि इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैंने सभी स्पीकर को चेक कर लिया, ये स्पीकर को मैंने चेक किया, इस वाले स्पीकर को भी मैंने चेक करके दिखा दिया। और अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ। गर्मी आ गई, गर्मी से रिलेटेड वीडियो जल्दी इसके बाद आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना रेड कलर के बटन को प्रेस करते हुए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।